नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गाइड गुरु में। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और मत्स्य निरीक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों वे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं और इन एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक परमाणु संख्या वाला है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा 1.0 ग्राम प्रोपेन। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में पॉजिटिव एंट्रोपी परिवर्तन पाया गया तो अभिक्रिया कैसी होगी? तो दोस्तों ये उच्च ताप पर संभव होगी। ठीक है, इसका आंसर रहेगा उच्च ताप पर संभव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं प्रश्न कौन सा रहेगा। सोडियम के संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा जीरो। सही आंसर ये रहेगा। मनुष्य में एटी और जीटी का अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 1.52। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये देखेंगे अपन, ए माइनस जो है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ओ टू इलेक्ट्रॉन और एन थ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ए इसका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए के जीसीएटीए संपुल पर संश्लेषित आरएनए अणु पर क्षारों या बेसेस का क्रम क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा एक डी वाला, सी जी यू ए यू, ठीक है, ए इसका सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नए कार्बन या कार्बन बंध का बनना संभव कैसे होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए वाला, बी वाला, एन आई, सी एन फोर और ए माइनस टू इलेक्ट्रॉन या टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया प्रश्न, निम्नलिखित में प्रबल अम्ल क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी एच थ्री ओ एच, CH3OH इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, ताबे या कापर को उसके सल्फाइड एस्क से निकालने के दौरान Cu2O के नवीनीकरण के द्वारा अंततः निम्न धातु प्राप्त होती है या कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों कापर सल्फाइड, सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में जब टालुइन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या? बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, सॉरी दोस्तों, इसका पहला आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किन हाइड्रोजन अर्ध सेल इसके लिए उत्क्रमणीय हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों H प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में रंगीन गैस कौन सी है? ठीक है, निम्नलिखित में रंगीन गैस कौन सी है? तो दोस्तों NO2 जो है वो रंगीन गैस है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेलोजन की अवधि या हेलोजनों की आबंध ऊर्जा का घटता क्रम क्या होगा? ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। Cl2 स्टार्टिंग से देखते हैं दोस्तों, हेलोजनों की आवंद ऊर्जा का घटताक्रम क्या होगा? ठीक है, तो Cl2 ये वाला होगा सी नंबर का, Cl2, Vr2, F2 और L2, ठीक है, इसका ये सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नया प्रश्न देखते हैं। एक्वारिजिया मिश्रण क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों Cl, HCl और HNO3, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा, HCl और HNO3 इसका सही आंसर होगा, एक्वारिजिया मिश्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। वह अभिकर्मक जो लैक्टिक अम्ल को पाइरूविक अम्ल में रूपांतरित करता है, किसे लैक्टिक अम्ल को पाइरूविक अम्ल में रूपांतरित करता है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फेंटोन अभिकर्मक, ए इसका सही आंसर ए होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन क्या कहलाता है या कौन सा कहलाता है? तो वेयर अभिकर्मक जो है दोस्तों वो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चतुर्थ कक्षा में बोहर इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई रंगों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 4। अगला प्रश्न देखते हैं। ClO4 का आकार क्या है? तो ये दोस्तों होता है चतुष्फलकीय। अगला प्रश्न। साइक्लो ट्राइमेटाफास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है या कितनी होती है? तो ये दोस्तों होती है +5, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे केमिस्ट्री से रिलेटेड। इसी प्रकार के प्रश्न और इससे भी जो टफ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न दोस्तों हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।